वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी शेक, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। और स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए सिंपल, हमें यहाँ सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए। इस तरफ शुगर रखी है हमने पीस के, ताज़ी फ्रेश स्ट्रॉबेरी। इस तरफ 2 ग्लास दूध। इन चीज़ों को जो है आपस में मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से जो है ब्लेंड करने के बाद हमारा शेक तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आप अपने घर पर ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरी शेक बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो है हमने उसको धो के रख लिया है, अब उसका छिलका उतार लेंगे। इस तरह से आप छिलका उतारते जाइए और इनको साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो है वो हमने साफ़ कर ली है, अब उसे जग में ऐड करेंगे। ये हमने स्ट्रॉबेरी डाल दी। अब दूध जो है, अब हम दूध ऐड करेंगे। 2 ग्लास के बराबर हमने दूध डाल दिया। अब चीनी जो है आप हसबे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपको अच्छी लगे, जितना आपको मीठा पसंद है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शेक है वो ज़्यादा जो है उसमें गाढ़ापन आए, तो आप जो है आधे कप के बराबर इसमें दही भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको ब्लेंड करते हैं। व्यूअर्स, बर्फ़ यहाँ पे जो है ये देखिए, हम जो है ब्लेंड करने से पहले ही ऐड करने लगे हैं। अगर आप चाहें तो बाद में भी जो है बर्फ़ को ऐड कर सकते हैं। हम अभी डाल देंगे। अब इसे ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से। हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसे ग्लास में डालेंगे। तो लीजिए, हमारी रेसिपी जो है आज की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे जो है वो गार्निशिंग भी करेंगे थोड़ी सी। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक आज की रेसिपी, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद भी आएगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबाते जाएँ ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमें सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट ही से हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।